हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। चोरी के मामले में गौतम नगर से चार चोरों को गिरफ्तार किया। होशखास थाने की टीम ने 2,24,000 रुपए नगद बरामद किए। डीसीपी चंदन चौधरी ने शुक्रवार की दोपहर 12 बजे मीडिया को जानकारी दी कि 8 फरवरी की शाम को होशखास थाने को एक घर में चोरी के मामले में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची गौतम नगर में, जहां शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके घर से चोरी हो गई है, जो कि 3,40,000 रुपए नगद। इसके अलावा सोने का एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी कुंडल और दो जोड़ी चांदी के बिछुए, इसके अलावा अन्य सामान भी चोरी हुआ है। शिकायतकर्ता के बयान पर EFIR दर्ज की, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 76/23 धारा 380 457 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि ACP हरीश चंद्र के निर्देश पर यह टीम बनाई थी। इस टीम के अंदर SI सुमित कुमार, SI सलमान अहमद, ASI शेर सिंह, हेड कांस्टेबल भल्ला राम, हेड कांस्टेबल राकेश, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल जय नारायण और कांस्टेबल पंकज इस टीम में शामिल थे, जो कि होशखास थाने के SHO शिव दर्शन शर्मा के नेतृत्व में यह टीम बनी थी। पुलिस टीम ने जांच चालू की और घटनास्थल के आसपास के लगे 100 से अधिक CCTV फुटेज चेक किए। इसके अलावा पुलिस ने अपने गुप्त स्रोतों को भी तैनात किया। आखिरकार 9 फरवरी की दोपहर एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई पुलिस को के गौतम नगर में चार संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं, जो कि चोरी के मामले में वह वांछित भी हैं, जिन्होंने एक घर से चोरी की थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 फरवरी की शाम गौतम नगर में जाल बिछाया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपना अपराध कबूल किया। कहा कि उन्होंने 8 फरवरी को गौतम नगर में एक घर से चोरी की थी। आरोपियों के पास से 2,24,000 रुपए नगद, एक मंगलसूत्र, एक कुंडल पीली धातु का बरामद किया है। इन सभी आरोपियों की पहचान, पहला रवि ठाकुर पुत्र नरेश सिंह निवासी गौतम नगर का, इसकी उम्र 23 वर्ष है, इस पर पहले भी 4 मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी की पहचान DCP ने बताया, अनिकेत गुप्ता पुत्र हरिओम गुप्ता निवासी गुजर दरिया नई दिल्ली का, इसकी उम्र 23 वर्ष है। तीसरे आरोपी की पहचान प्रदीप गौतम पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गौतम नगर का, इसकी उम्र 23 वर्ष है। चौथे आरोपी की पहचान अमित कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी रानी की कोठी गौतम नगर का, इसकी उम्र 24 वर्ष है। चारों आरोपियों से पूछताछ जारी है और बाकी चोरी का सामान तलाशने का प्रयास जारी है इन चारों आरोपियों के पास से, क्योंकि चारों आरोपियों के पास से अभी तक पूरा सामान बरामद नहीं हुआ है।